अभी सुबह 6:15 हुआ है और हम जा रहा है ठंडा ठंडे हवा का फील लेके खट्टा मीठा एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो भी कानोबरी का मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अभी हम अरुणाचल पहुँच चुका है कानोबरी, गेट पार कर लिया है, 100 रुपये फीस भी दे रहा है गेट पोस्ट में, चेकिंग पोस्ट में पार करने के लिए एंट्री फीस 100 रुपया दे दिया। और उसके बाद अभी हम जाना है सीधा बाजार में लेको, चलो चलते हैं। तो यही है कानोबरी पास वाली, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कानोबरी पास वाली मिल गया है हमको। और यहाँ पे हम लैंड करने वाले हैं, अपने गाड़ी यहाँ पे है। और चलो सुबह सुबह रात में लोग बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बच्चा लोग स्कूल के लिए निकल के आ रहे हैं और बड़ा लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, कोई काम के लिए निकल रहे हैं। और आज यहाँ पे बाजार भी है, हमारे सामान को यहीं पे लगा दिया है और देखते हैं क्या होता है आज। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार किसी दूसरे स्टेट में आया हूँ, वो भी कुछ ऐसे सामान लेके वो भी बेचने के लिए और एक्सपीरियंस लेने के लिए। एकदम सिंपल लोग है यहाँ का, क्या माहौल है यहाँ पे, जैसा सोचा था वैसा मार्केटिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिला और बहुत सारे लोगों से हम बात किए, बहुत अच्छा लगा लोगों से बात करके भी और दोस्ती भी किया है। आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस लिया है और बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके, और सोचा नहीं था कि यहाँ पे हम कभी ऐसे आएंगे, और हम आ भी गए और कुछ नया सीखने को भी बहुत मिला है हमें। तो अभी हम आसाम पहुँच चुका है और यहाँ पे है उरी बाबा, कानोबरी है दे बाबा ये, और हम यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी शाम हो चुका है, सूरज ढल चुका है, अभी अंधेरा होने वाला है और उससे पहले हमको घर जाना है, पहुँचना है। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा है, और अगर आप चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, जब मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाए। हमारा सबेकाठी से कानोबरी के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 15 मिनट लगता है यहाँ से, और उनका लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी से आप बात कर सकते हैं और थोड़ा कुछ आसामीज भी इनको आता है, हम तो सब मिक्स करके बोल देते हैं आसामीज हिंदी। 5 रोड्स आगे एक साथ कनेक्ट होने की वजह से उस जगह को पाचाली बोला जाता है, 5 अलग अलग रोड्स है यहाँ पे। हम तो सभी रोडों में गया नहीं है अभी तक, सभी रास्तों में नहीं गया है, पर 2-3 रास्तों में गया है। और वहाँ के लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक है, गार्डनिंग के लिए बहुत सारा पॉट खरीदते हैं, फ्लावर लगाता है, बहुत अच्छा शौक। और फ्रेंड्स, ये पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। गार्डनिंग के लिए कुछ भी सामान खरीदना हो तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं होलसेल प्राइस में, वो भी जितना सा खरीद सकते हैं, हैंगिंग हो या फिर ऐसे रखने वाला पॉट हो, उस गार्डनिंग का सामान हो, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। और वो वेबसाइट हमारा सबेकाठी से जुड़ा हुआ है, आप लोग खरीद सकते हैं आराम से। थैंक यू सो मच।